बीच लखनऊ से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रवक्ता ने भारत रत्न देने की मांग की है। दिवंगत नेता मुलायम सिंह को भारत रत्न मिले, ये बात रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इसकी मांग की गई है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने ये मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? मुलायम सिंह यादव के तौर पर सपा को एक संरक्षक की कमी अब महसूस हो रही है, और वो कमी इतनी ज्यादा कि अब मांग भारत रत्न देने की। देखिए, आई पी सिंह पहले भी इस तरह की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने मांग की है क्योंकि मुलायम सिंह यादव संरक्षक थे समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता कहलाते थे। 8 बार के विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, तो उन्होंने बातों का हवाला दिया है। और द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति से मांग की है कि उन्हें सर्वोच्च नागरिक यानी कि भारत रत्न की जो है उन्हें सम्मान दिया जाए, क्योंकि वो समाज के नेता थे, समाज से जुड़े लोगों के लिए वो आवाज उठाते रहे, गरीबों के मसीहा कहलाते थे। तो ऐसे में अब मांग की गई है, देखिए अब इसका रिजल्ट क्या आता है, तब इससे द्रौपदी मुर्मू की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन ये मांग की गई है क्योंकि ऐसे मौके पर की गई है, क्योंकि कल ही उनका भी अंतिम संस्कार हुआ है और उसके बाद एक शोक की लहर तो हाई है। और खास बात ये भी है कि जो राजनीति के पुरोधा कहलाते थे समाजवादी पार्टी के संरक्षक, और इसके अलावा पक्ष और चाहे विपक्ष सभी एक सुर में वहां पर नजर आए। सभी ने कहा कि मुलायम सिंह एक बड़े नेता थे, उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों की आवाज उठाई, तो ऐसे में विरोध तो नहीं होना चाहिए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का फैसला क्या होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए।